हेलो स्टूडेंट्स, तो कल तक हमने पढ़ा था मोशन में कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, और पढ़ा था एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है, वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी के चेंज होने की रेट को पढ़ना है। रेट का मतलब होता है कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट का मतलब ही होता है कितनी चेंज हो रही है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा अगर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी बराबर 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 ही रहेगी, हमेशा सेम रहेगी हर एक इंटरवल ऑफ टाइम पे। वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद टाइम, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी कैसी रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। टाइम के साथ वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी मतलब एक ही रहेगी, तो यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी अलग अलग रहेगी और टाइम के अलग अलग इंस्टेंसेस पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंसेस, मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल पे, अलग अलग टाइम पे जो वेलोसिटी की डिफरेंट वैल्यू रहती है इसमें यूनिफॉर्म मोशन में। दस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ये रहता है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इसमें क्या बोल सकते हैं, ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो, कि इसमें चेंज नहीं होती है, कॉन्स्टेंट रहती है। तो किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में अगर हम वेलोसिटी देखें तो उसका जो चेंज है वो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि चेंज होगी नहीं। और इसमें क्या होगा, दस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट जीरो, और इसमें वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो जीरो नहीं होगी क्योंकि हर एक टाइम इंटरवल पे अलग अलग वेलोसिटी है। तो उन दोनों का कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा ही, जैसे पहले अगर 6 की वेलोसिटी से चल रहा है, बाद में 4 की वेलोसिटी से चल रहा है, तो उन दोनों का डिफरेंस आ जाता है 2। तो इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, लेकिन ये हमेशा सेम रहेगी, तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखते हैं, तो इसको उनने नाम क्या दे दिया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इतना बड़ा तो हम बोलेंगे नहीं, इस पूरे को उसने क्या नाम दे दिया, ये पूरा कहलाता है हमारा एसीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है हमारा एसी एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ऐसे हमारा एक्सीलरेशन हो गया चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, यही तो बोला है कि चेंज इन वेलोसिटी उसकी रेट, रेट मतलब ही बताया कि टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम टेकन कि कितना टाइम लिया उसने वेलोसिटी चेंज करने में। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि एसीलरेशन क्या होता है, तो या तो ये बोल दो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर बोल दो चेंज इन वेलोसिटी विथ यूनिट टाइम, कि यूनिट टाइम में कितनी चेंज हो रही है। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। एसीलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर ए से। तो बोला है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब एक तो इसमें होगी इनिशियल वेलोसिटी, एक होगी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जो पहले की वेलोसिटी रहती है जहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जो बाद की वेलोसिटी रहती है। जैसे मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर की, यहाँ हमारी वेलोसिटी थी जीरो, जीरो से ही स्टार्ट करेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड। जाते जाते हमारी वेलोसिटी हाईएस्ट कितनी हुई, 6 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा हमें, मान लो यहाँ से यहाँ तक में लगा हमें
पांच मिनट का टाइम लगा। तो जो एसिलरेशन होगा इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, और ये हमारा टाइम टेकन। तो जो एसिलरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं एसिलरेशन को, फॉर्मूला होता है वी माइनस यू अपॉन टी, जहां पे वी हमारा है फाइनल वेलोसिटी, यू क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और टी से क्या डिनोट करेंगे टाइम टेकन, कितना टाइम उसने लिया है, और ए से क्या डिनोट करेंगे एसिलरेशन। तो ये निकल के आ गया हमारा एसिलरेशन का फॉर्मूला, मतलब वी माइनस यू अपॉन टी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो अब देखते हैं, दिस काइंड ऑफ मोशन इज नॉन एस एसिलरेटेड मोशन, इसी टाइप के जो मोशन को क्या बोलते हैं एसिलरेटेड मोशन बोलते हैं। द एसिलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव, अब एसिलरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एसिलरेशन को पॉजिटिव कब बोला जाता है, जब इस जो डायरेक्शन रहती है हमारी वो सेम रहे, द एसिलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एसिलेशन पॉजिटिव तब होगा जब एसिलेशन वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में होगा, मतलब अगर वेलोसिटी ज़्यादा कर रहे हैं, वेलोसिटी इस तरफ जा रही है तो एसिलेशन की डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए, तो वो पॉजिटिव होगा, तो डायरेक्शन सेम होनी चाहिए इसमें एसिलेशन में। और नेगेटिव कब बोलेंगे, डायरेक्शन क्या हो अपोजिट हो, अपोजिट डायरेक्शन में एसिलेशन और वेलोसिटी होगा तो नेगेटिव एसिलेशन बोलेंगे। इसके बाद देखते हैं द मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी, तो जो इसका एग्जाम्पल है पॉजिटिव एसिलेशन का, इसका एग्जाम्पल क्या है द मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी, क्यों बोला गया है क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। अगर आपको बात करें यूनिफॉर्म एसिलेशन की, तो एसिलेशन पढ़ लिया हमने, पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। यूनिफॉर्म में क्या होगा कि जैसे इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म एसिलेशन में क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बराबर बराबर स्पीड या तो अपनी बढ़ाएगा या बराबर बराबर उतनी ही कम करता जाएगा, और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे हम माने हमने चलना स्टार्ट किया, हमने क्या किया यहाँ से ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, और जो लास्ट में हमारा डी पॉइंट हो गया। हमने ए से चलना स्टार्ट किया, ए पे हमारी जो वेलोसिटी थी वो थी 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ तक पहुँचे तो 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, और आगे पहुँचे 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, और आगे पहुँचे तो 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, और सब में इसने टाइम लिया 1 मिनट का, मान लो 1 मिनट का यहाँ लिया, 1 मिनट का यहाँ लिया, 1 मिनट का यहाँ लिया, तो ये बराबर बराबर वेलोसिटी बढ़ा रहा है। देखो 5 की वेलोसिटी यहाँ बढ़ाई, फिर 5 की यहाँ बढ़ाई, फिर 5 की यहाँ बढ़ाई, तो सेम रेट से अगर वो अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है और सेम टाइम इंटरवल है, तो इस पूरे मोशन को हम क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म एसिलरेशन। इसमें ये अपनी वेलोसिटी कम भी कर सकता था, मान लो कि ये 50 की स्पीड से चल रहा है, फिर 45 की से आया, या 40 की से आया, फिर 30 की से आया, फिर 20 की से आया, फिर 10 की से आया, ये ऐसे भी कर सकता था। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एसिलेशन, मतलब स्पीड वेलोसिटी को
लगातार एक ही रेट में बढ़ाना एक ही टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग। नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विथ नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म रेट पे, मान लो यहाँ से पहले ये 5 चला, फिर यहाँ उसने कर दी 15, 10 चल गया, फिर यहाँ कर दी उसने 20, फिर 5 चल गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गई। ये पहले ज़्यादा चल रहा है, फिर कम बढ़ा रहा है, फिर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब दोनों के एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो हमने यूनिफॉर्म एसिलेशन पढ़ाया था उसका एग्जाम्पल है फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी होती है मतलब किसी बॉडी को छोड़ दो और वो जब गिरती है जमीन तक तो उसको बोलते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी। तो वो क्या होता है, जहाँ अपन छोड़ते हैं तो उसकी जो स्पीड रहती है वो क्या रहती है, जीरो रहती है, और नीचे जाते जाते उसकी स्पीड बढ़ती आती है। बढ़ती क्यों जाती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, हमारी जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, इसलिए वो बढ़ती आती है। इसके बाद अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बोलें तो एक मान लो कोई कार चल रही है तो वो क्या करते हैं, अगर उसको बाजार में चला रहे हैं तो कभी कभी वो स्पीड बढ़ाते हैं, ज़्यादा बढ़ाते हैं, कभी कभी कम बढ़ाते हैं, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन हो गया। इसके बाद देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कि मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या पढ़ना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है हमें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, कि जो इस यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा। तो एक हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। अब क्या करना है, वाई एक्सिस पे हमने लेना है टाइम, सॉरी एक्स एक्सिस पे हमें लेना है टाइम, ये होती है वाई एक्सिस। टाइम ले लिया एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस ले ली वाई एक्सिस पे, ये डिस्टेंस हो गई वाई एक्सिस पे। तो अब आपको पता है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब जितनी जितनी डिस्टेंस और टाइम के साथ सेम होनी चाहिए। मतलब अगर एक घंटे में पहले वो 1 किलोमीटर कवर कर रहा है तो अगले दूसरे घंटे में भी वो 1 किलोमीटर ही कवर करेगा, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, कि वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चले। तो अगर इसको दे दिया, यहाँ दे दिया 10, यहाँ दे दिया 20, यहाँ दे दिया 30 और यहाँ दे दिया 40, और जो डिस्टेंस है वो दे दी, वो भी ऐसे ही दे दी कि 10, 20, 30 और 40, तो ऐसे दे दी। अगर मान लो ये जो टाइम दिया हुआ है वो हमारा है मिनट में और जो डिस्टेंस है वो हमारी है किलोमीटर में, तो अगर ये 10 मिनट में 10 किलो सॉरी जो टाइम दिया हुआ है इसको 1, 2, 3, 4 मान लो, जो टाइम मिनट में है और डिस्टेंस क्या है किलोमीटर में, अगर 10 मिनट में ये 1 किलोमीटर कवर करता है तो इसका पॉइंट कहाँ आएगा, 1 किलोमीटर कवर कर रहा है ये पूरे 10 मिनट में, तो इसका पॉइंट आएगा यहाँ पे। फिर दूसरे 10 मिनट में मतलब 20 मिनट हो गए टोटल, कितनी कवर कर रहा है, 2 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो इसका पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे। ऐसे ही सिमिलरली तीसरे 10 मिनट में इसका पॉइंट आएगा यहाँ पे, और जो चौथा 10 मिनट होगा मतलब 40 मिनट में टोटल वो 4 किलोमीटर चल जाएगा, तो इसका पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास 4 पॉइंट बन जाएंगे और चारों पॉइंट को मिलाते हुए अगर हम एक लाइन लें तो ये वो हमारी लाइन हो जाएगी। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ बनता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ बनता है वो सिंगल लीनियर लाइन में बनता है, लीनियर लाइन इसको शो करेगी। अब अगर हम बात करें कि अभी हमने क्या पढ़ा यूनिफॉर्म स्पीड का, इसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब बोलेंगे, जब इसकी जो डिस्टेंस होगी उसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो, तो यही ग्राफ यूनिफॉर्म
वेलोसिटी के लिए भी हो जाएगा। अब देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। तो जो यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो ग्राफ बनता है, ये क्या बनता है कि डिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है टाइम टेकन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का टाइम साइन होता है ये, और ये टाइम टेकन। तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन है, मतलब जितनी जितनी डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे उतना ही टाइम बढ़ता जाएगा, जितनी डिस्टेंस आप घटाते जाओगे उतना ही टाइम घटता जाएगा। और हमेशा याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जब भी बात करें, अगर दो चीज़ें हैं, दो क्वांटिटी हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के, तो उनका ग्राफ हमेशा क्या बनता है, लीनियर में ही बनता है, लीनियर लाइन में ही बनता है। नोट डैट यू कैन आल्सो यूज़ द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये बता दिया कि इसमें आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी यूज़ कर सकते हैं जब उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो। अब देखते हैं वी इक्वल टू एस टू माइनस एस वन टी टू माइनस टी वन, ये क्या होता है। तो इस जो ग्राफ से हम अपनी वेलोसिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी कैसे फाइंड करें। मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको ये एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो आप क्या करोगे, ए से एक्स एक्सिस के अलोंग एक लाइन खींचोगे, इसको हटा दें थोड़ा, एक्स एक्सिस के अलोंग एक लाइन खींचेंगे, और बी से बाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। दोनों लाइनें जहां मिलेंगी उसको बोल देंगे हम सी पॉइंट। तो ये ग्राफ से जो हमें वेलोसिटी निकालनी होती है वी, वो होता है इस ट्राइंगल की हेल्प से हम निकालते हैं, ए बी सी ट्राइंगल की हेल्प से। तो इसमें बोला है एस टू माइनस एस वन, मतलब पहले की जो डिस्टेंस, दूसरी डिस्टेंस थी उसमें से पहली डिस्टेंस घटानी है। डिस्टेंस हमने कहाँ ली थी, इस बाई एक्सिस के अलोंग ली थी, तो ये हो रहा ना डिस्टेंस का, तो ये पहली डिस्टेंस जो है तीन है, दूसरी डिस्टेंस कितनी है दो है, तो तीन में से दो घटाएंगे, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, तीन में से दो घटाएंगे। टाइम मतलब टी टू माइनस टी वन, मतलब दूसरा वाला टाइम में से पहला वाला टाइम घटाना है। टाइम कौन कौन से ये हैं, तो ये यहाँ से इन दोनों के बीच में ले रहे हैं, तो तीस में से बीस घटाना है, तीस में से बीस घटाना है हमें। तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा वन, नीचे बचेगा टेन। तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो वन अपॉइंट टेन आएगी, वन अपॉइंट टेन का मतलब होता है जीरो पॉइंट वन, और वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, जीरो पॉइंट मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही हमने आपको एसिलेशन पढ़ाया, एसिलेशन में क्या होता है, वेलोसिटी वी माइनस यू अपॉन टी, मतलब वेलोसिटी की वेलोसिटी अपॉन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो गई वेलोसिटी की यूनिट। और नीचे एक और टाइम दिया है तो एक और सेकेंड आ गया, तो जो एसिलेशन है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब सेकेंड का हो जाएगा स्क्वायर, तो जो हो जाती है हमारी एसिलेशन की यूनिट। अब हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर कार मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड से हो गई। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, ये लीनियर लाइन में बनना था तो उसमें कैसे बनेगा, उसमें कुछ ऐसा ग्राफ बन सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेम डिस्टेंस कवर करे सेम टाइम में, तो उसमें जो रहता है वो क्या रहता है, कर्व में बन सकता है। नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ द टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार विथ टाइम। अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ लिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब क्या होता है, स्पीड। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। और वेलोसिटी और टाइम अभी पढ़ाया आपको कि वेलोसिटी चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको बोलते हैं एसिलेशन, मतलब हमें एसिलेशन का ग्राफ पढ़ना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसको पढ़ते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलता है द वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द, देखना, तो जब हम पहली बात तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो ग्राफ पढ़ते हैं, तो एक तो हो गई वाई एक्सिस, एक हो गई एक्स एक्सिस। अगर यहाँ जीरो लेते हैं, यहाँ वन,
टू थ्री फोर फाइव लेते हैं, ये क्या है हमारे टाइम, और टाइम किस में है ये हावर में। इस पे लेंगे हम क्या लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे लेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी ले ली, वेलोसिटी टेन किस में होगी किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। अभी बताया था मीटर पर सेकंड, तो उसकी हायर यूनिट होगी किलोमीटर पर आवर, इसमें लेंगे टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी और आगे फर्दर बढ़ाते जाएंगे इसको, देखते हैं। तो यूनिफॉर्म जब वेलोसिटी की बात करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार, तो जब वेलोसिटी की बात करें, अगर यूनिफॉर्म की बात करें तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, अगर मान लो वो 40 की ही वेलोसिटी से चल रहा है, अपनी वेलोसिटी नहीं बढ़ा रहा है, तो ये जो लाइन होगी ग्राफ की वो कहाँ आ जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई तो हमें इसमें निकालना है कि कितनी डिस्टेंस उसने कवर की। अगर मान लो हमको दो इंटरवल दे दिए टाइम के कि बताओ कि 2 घंटे से 4 घंटे के बीच उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो ये पढ़ना है हमें, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया एक पॉइंट ए जो 2 घंटे के ऊपर है, और एक पॉइंट ले लिया बी जो 4 घंटे के ऊपर है। इसने बोला कि ये बताओ कि ए से बी तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर की इन 2 घंटों के बीच, 2 से 4 घंटों के बीच। तो क्या करेंगे हम परपेंडिकुलर्स डाल देंगे, इससे इससे 2 पे आएगा, इससे 4 पे आएगा। अब ये एरिया जो है यही हमें बताएगा, क्या बताएगा कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की। आप जानते हो कि वेलोसिटी का अगर टाइम में इंटू करें तो हमें डिस्टेंस मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा ये भी देखो, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस बोल लो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसका एक टाइम से इंटू कर रहे हैं तो क्या होगा, ये टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो जब भी हम वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टाइम से, तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगी, और हमारे पास यहाँ वेलोसिटी और टाइम दोनों चीज़ें हैं, वेलोसिटी और टाइम का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे देखते हैं, इसको मान लिया टी टू, ये टी वन हो गया, ये टी टू हो गया, और यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। ए बी सी डी इसको नाम दे देते हैं, ए बी यहाँ पे हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकालने के क्या करेंगे, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। वेलोसिटी क्या आ रही है इसकी, वेलोसिटी आ रही है ए सी। देखो वेलोसिटी जो है वो तो ए सी के अलोंग है, या तो ए सी ले लो या बी डी ले लो, दोनों बराबर है, तो या तो आप ए सी रख सकते हो या बी डी रख सकते हो, हम रखते हैं ए सी, ए सी वेलोसिटी। टाइम किसके अलोंग है, टाइम इसके अलोंग है, टाइम या तो आप सी डी ले लो या ए वी ले लो, तो ठीक है हम सी डी ले लेते हैं, ये टाइम ले लेते हैं, इतना सी डी टाइम हो गया। अब जो ए सी है वेलोसिटी वो कितनी है इसकी, वेलोसिटी कितनी है, 0 से 40 तक, मतलब 40 के कांस्टेंट से कर लिए ना, तो 40 की इसकी, 40 किलोमीटर पर हावर की इसकी वेलोसिटी है। अगर सी डी की बात करें तो सी डी क्या है, टाइम का डिफरेंस, मतलब 2 घंटे से 4 घंटे के बीच, 2 घंटे से 4 घंटे के बीच, मतलब 4 में से टी टू माइनस टी वन कर देंगे तो मतलब 4 में से 2 घटा देंगे, ठीक है। ये 40 रह जाएगा, ये 4 में से 2 घट जाएंगे, 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 80। 80 क्या आएगा, यहाँ ये टाइम हावर में था, ये किलोमीटर पर हावर में है, तो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा ये, तो मतलब इसने इस पूरे के 2 घंटे के बीच कितनी डिस्टेंस कवर की, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। और आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हो कि जब ये 40 की वेलोसिटी से चल रहा है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब कम नहीं कर रहा, तो 1 घंटे में 40 चलेगा तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 80 चलेगा, तो 2 से 4 में 2 घंटे में कितना चलेगा, 80। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑल यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म एसिलेशन। तो अब पढ़ना है कि कोई जो कार है वो यूनिफॉर्म एसिलेशन से, ये तो हो गई हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, अब कोई कार है वो यूनिफॉर्म एसिलेशन से चल रही है, मतलब अपना एसिलेशन बढ़ाती जा रही है यूनिफॉर्मली, टाइम
टाइम के साथ साथ, तो इसी में थोड़ा करेक्शन कर लेंगे और आगे पढ़ेंगे। मान लो पहले वो जीरो पे थी उसकी वेलोसिटी, इस एक घंटे में उसकी वेलोसिटी आ गई 10 पे, दूसरे घंटे में उसकी वेलोसिटी आ गई 20 पे, तीसरे घंटे में उसकी वेलोसिटी आ गई 30 पे, इस चौथे घंटे में उसकी वेलोसिटी आ गई 40 पे। तो ऐसे अगर वो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ाएगा, मतलब टाइम का गैप बराबर बराबर रहे और जो वेलोसिटी का डिफरेंस आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी वो भी बराबर बराबर बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब अगर इसमें पूछ लिया गया है कि 2 घंटे से 4 घंटे के बीच उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो इससे जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पे आएगा, इससे जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पे आएगा, आएगा। तो अब हमें कितने का कितना निकालना है, इस पूरे का मैग्नीट्यूड निकालना है। इस पूरे का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डिस्टेंस मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो सीधा था तो एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल था ना, रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल में क्या करना पड़ता है, ऐसा था ना, वहाँ पे कॉन्स्टेंट थी ऐसा था, तो रेक्टेंगल में क्या करना पड़ता है, हाइट इंटू बेस मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ से हमारा क्या निकलता है, इसका पूरे का एरिया निकल जाता है, निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये आपका ट्रेपेजियम फॉर्म है, ट्रेपेजियम फॉर्म है जिसमें ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये दोनों नॉन पैरेलल लाइंस है। तो इसको क्या करेंगे, इसको बीच में से बांट देंगे, बांट दिया, बांटने से क्या होगा, एक तो ये हमारा बन गया क्या, रेक्टेंगल, और एक ये बन गया क्या, ट्राइंगल। इन दोनों के एरिया निकाल लेंगे, दोनों के एरिया को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, डिस्टेंस निकल आएगी। तो इसको नाम दे देते हैं पहले ए, इस पॉइंट को दे देते हैं बी, इस पॉइंट को सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। ये टाइम है हमारा T1 और ये रहेगा T2। अब इसकी अगर डिस्टेंस निकालनी है तो जो एस डिस्टेंस को डिनोट करता है, तो एरिया किसका निकालना है हमें, एरिया निकालना है इस पूरे का, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई, इस पूरे का एरिया निकालना है। और ये पूरे का एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए डी ई, इन दोनों के एरिया के बराबर। तो एरिया किसका, ए बी सी डी का, प्लस एरिया किसका, ए डी ई का, इस ट्राइंगल का। एक तो रेक्टेंगल हो गया, एक ट्राइंगल हो गया। तो अब पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी मान ली हमने, ए वी, ब्रेथ कितनी मान ली, बी सी, तो इसमें आ जाएगा ए वी इंटू बी सी इसका एरिया। एरिया ऑफ ए डी ई, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना हो गया इसका ए डी, हाइट कितनी हो गई ई डी, ए डी इंटू ई डी। इस पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें अपनी डिस्टेंस पता चल जाएगी। ए बी कितना था, 20, ए से बी तक कितना है, 20 है, बी से सी तक कितना है, 4 में से 2 गए 2, तो 20 और ये इसकी वैल्यू आ गई 2, ये हाफ वैसा ही रहेगा इंटू ए ई का ई डी में, सॉरी ए डी का डी ई में, ए डी और डी ई, ए डी कितनी है अपनी 2, डी ई कितनी है, डी से ई तक चल रहे हैं हम 20, 2 इंटू 20। तो यहाँ से क्या पता चलता है, ये दोनों मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 22 40 प्लस, ये प्लस लगा है और यहाँ पर सिर्फ 20 बचा है, तो ये कितनी आ गई इसकी, 60 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन का आपको ग्राफ पता हो तो आप उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो ऐसे। इसके बाद देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कौन कौन से ग्राफ होते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के भी, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन के सॉरी, उसके भी अलग अलग ग्राफ होते हैं, क्योंकि उसमें कोई निश्चित नहीं रहता कि कितनी रेट से एसिलेशन वेलोसिटी बढ़ रही है, कितनी रेट से घट रही है। अगर कोई ऐसा ग्राफ दिख जाए तो इसका मतलब है उसका उसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार कम हो रही है। और कोई आपको अगर ऐसा ग्राफ दिख जाए तो उसकी उसका मतलब होता है वेलोसिटी कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है।
इसके बाद हमें देखना है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। क्या अभी हमने ग्राफ्स पढ़ लिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी पढ़ेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे निकाली जाती हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो आज के लिए इतना ही, आप नोट्स बनाएंगे और नोट्स सेंड करेंगे, और जो डाउट्स होंगे हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।